वाइपर अल्टीमेट गेमिंग माउस

साथ फर्स्ट प्रिंट के अंदर जाके आप परचेस कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग से तो बॉक्स पर हम लोगों को काफी ज्यादा सिंपल एंड काफी अच्छा एंड एकदम प्रीमियम सा देखने को मिल जाता है जैसे ही आप लोग यहां पर बॉक्स को ओपन करते हो तो सामने की तरफ यहां पर आप लोगों को दो चीज देखने को मिल जाती है एक तो है आपका माउस एंड एक है इसका चार्जिंग डॉक बाकी नीचे की साइड आप लोग को एक इसके अंदर केबल भी देखने को मिल जाती है जो कि माइक्रो यूएसबी केबल है जिसको कि आप अपने चार्जिंग डॉक से कनेक्ट करोगे तो यही सब चीजें मिल जाती है बाकी कुछ पेपर वर्क वगैरह मिल जाता है आई गेस उसके अंदर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस माउस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहां पर जो हम लोग को बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा सॉलिड देखने को मिलती है एंड यहां पर जो मटीरियल का यूज कर रखा है वो हालांकि प्लास्टिक है बट बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्लास्टिक का यहाँ पर यूज कर रखा है एंड जब माउस को आप होल्ड करोगे ना तब आपको पता चलेगा कितना ज्यादा अच्छी प्रीमियम फिनिश के साथ में आता है एंड भाई सच बता रहा हूं क्वालिटी में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है दोनों साइड्स में हम लोग को रबराइज फिनिश देखने को मिलती है जो कि इस माउस की ग्रिप को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है ट्रस्ट मी गाइस इस माउस के अंदर जो मेरे को ग्रिप मिलती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड भाई ऐसी ग्रिप 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 जो जो ये होल्डिंग वाली बनती है ना माउस माउस के के अंदर अंदर ऐसी ग्रिप भाई मेरे को आज तक किसी भी माउस के अंदर नहीं मिली जब आप इस माउस को होल्ड करोगे कभी अगर आपको मौका मिलता है या फिर अगर आप इसको परचेज करते हो तो भाई इसके साथ में जो आपको ग्रिप मिलेगी ना जब जब आप इसको होल्ड करोगे तब आपको पता चलेगा कितना ज्यादा प्रीमियम फील देता है ये एंड साथ ही साथ जो ग्रिप मिलती है वो भी कितनी ज्यादा अमेजिंग है ऑल्सो इस माउस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लेफ्ट हैंडेड पीपल या फिर राइट हैंडेड पीपल कोई भी इसको यूज कर सकता है नो मैटर वॉट कि आप माउस को लेफ्ट हैंड में पकड़ना पसंद करते हो या फिर राइट right हैंड में दोनों के लिए ये माउस सूटेबल है क्योंकि जो इसकी शेप है वो दोनों साइड से एकदम इवन है साथ ही साथ गाइज इसकी शेप कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि पाम ग्रिप या फिर क्लॉ ग्रिप आपको कुछ भी पसंद हो दोनों में ही ये माउस आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा बात करें दोस्तों हम लोग इसके चार्जिंग डॉक के बारे में जो कि हम लोग को इस माउस के बॉक्स के अंदर ही मिला था

उसके बीच में भी जो डिस्टेंस है ना वो और भी ज्यादा कम हो जाता है क्योंकि भाई जो आपका चार्जिंग डॉक है वो आप अपने टेबल के ऊपर ही तो रखोगे क्योंकि जब भी आपको चार्ज करना होगा अपना माउस तो भाई सामने ही तो रखोगे अपने चार्जिंग डॉक को तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका माउस है एंड जो आपका रिसीवर है उसके बीच में भी जो डिस्टेंस है ना वो और भी ज्यादा कम हो जाता है एंड जो कनेक्टिविटी यहां पर मिलती है ना आपको वो और भी ज्यादा बेटर एंड स्ट्रोंग मिलती है साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट और होता है नहीं तो फिर वो यूएसबी रिसीवर आपको अपने मदरबोर्ड में पीछे की साइड लगाना पड़ता ठीक है अपने पीसी के पीछे लगाते हैं ना फिर नहीं तो मदरबोर्ड में तो वहां पर वो एक यूएसबी वाला स्लॉट भी घेरता तो वो भी जो है आपका बच जाता है चलो वापस आ जाते हैं हम लोग माउस के ऊपर एंड थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं तो इसके ऊपर हम लोग को टोटल आठ प्रोग्रामेबल बटन देखने को मिल जाते हैं नॉर्मल लेफ्ट राइट क्लिक और स्क्रोल व्हील वो सब तो आपको मिल ही जाता है बाकी दो बटन आप लोग को दोनों ही तरफ देखने को मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड तो चार एक्स्ट्रा बटन आपको इसके ऊपर मिलेंगे बाकी अगर मैं बॉटम साइड के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को एक बटन मिल जाएगा जिसके थ्रू आप इसको ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो अपने माउस को वो बेसिकली इसका पावर बटन है साथ में आप लोगों को एक बटन और मिल जाता है जो कि बाय डिफॉल्ट यहां पर सेट है इसकी डीपीआई को चेंज करने के लिए स्पीकिंग ऑफ आरजीबी तो माउस के बीच में हम लोगों को यहां पर एक रेजर का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि आरजीबी लाइटिंग के साथ में आता है एंड आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपको इसके अंदर कलर सेट करना है वो आप यहां पर कर सकते हो अगर आप इसकी आरजीबी को कंट्रोल करना चाहते हो वो जो चार्जिंग

तो एक छोटी सी सैर रेजर सिनैप सॉफ्टवेयर की मैं आप लोगों को करा देता हूं तो मैं आज हूं अपने रेजर स्नैप सॉफ्टवेयर के अंदर एंड यहां पर आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा सिंपल सा इंटरफेस है ऊपर की तरफ आपको अपने डिवाइसेस दिख जाएंगे एक तो मेरा डॉक हो गया एक मेरा की हो गया और एक मेरा माउस हो गया खैर अभी हमारा जो फोकस है वो हमारे डॉक और हमारे माउस के ऊपर है सबसे पहले मैं माउस के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूं जो कि हमारा रेजर वाइपर अल्टीमेट तो यहां पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से जो भी इसकी कीज है आप उसको असाइन कर सकते हो ठीक है एंड यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो कि जो आपका माउस है वो लेफ्ट हैंडेड है वो राइट हैंडेड है आप इसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हो अब आप यहाँ पर इसके देखो कुछ टैब्स आपको ऊपर मिल जाएंगे टोटल यहाँ पर पांच टैब्स है सबसे पहले तो कस्टमाइज करने का है कि आप इसके किसी बटन को कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हो सेकेंड टैब है इसकी परफॉर्मेंस का यहाँ से आप टोटल जो है पांच स्टेजेस अप टू सेलेक्ट करके वहाँ से डी सेट कर सकते हो इसका एंड अप टू जो इसका डी है ना वो ट्वेंटी तक आप सेट कर सकते हो जो कि पता नहीं कौन ही करेगा यार बीस हज़ार डी यहां से आपको पोलिंग रेट मिल जाएगा मैंने यहाँ से 1000 थाउजेंड सिलेक्ट कर रखा है अपटू वन थाउजेंड है इसका पोलिंग रेट साथ में इसकी लाइटिंग को आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो यहां से आप जो भी आर जी इफेक्ट्स लगाना चाहते हो वो आप यहां से कर सकते हो जो भी ब्राइटनेस इसकी रखना चाहते हो ब्राइटनेस यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो ठीक है स्विच ऑफ लाइटिंग अगर आपको करनी हो अगर आपको बैटरी सेव करनी है कि, कि कितनी देर बाद जो आपकी लाइटिंग है वो स्विच ऑफ हो जाए तो वो आप यहाँ से कर सकते हो साथ ही साथ यहाँ पर जो है आपको आर के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे क्विक इफेक्ट्स और एडवांस इफेक्ट एडवांस के अंदर जाओगे ना तो यहां से आप इनका जो है क्रोमा स्टूडियो ओपन करके यहां से बहुत डिटेल में आप जो आरजीबी को यहां से कस्टमाइज कर सकते हो तो वो भी एक ऑप्शन आपको यहां पर मिल जाता है अगली चीज है इसका कैलिब्रेशन आप माउस मैट के साथ में अपना जो सरफेस है उसका कैलिब्रेशन कर सकते हो अपने माउस के साथ में अगली चीज है पावर से रिलेटेड यहां पर आप लोग जो पावर सेविंग मोड जो है वो कितनी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा लो पावर मोड में कब चला जाएगा वो सब चीजें आप यहां से सेट कर सकते हो वापस आ जाता हूं मैं स्नैप्स के अंदर एंड यहां से हम लोग जाते हैं इसके डॉक के अंदर अब ये देखो ये चार्जिंग डॉक है तो इसके अंदर आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे बस खाली ऊपर देख सकते हो एक टैब है लाइटिंग का तो यहां से आप जो है बस इसकी आर को कंट्रोल कर सकते हो बाकी इसने बता रखा है कि किस किस कलर के अंदर जब यह ग्लो होगी तो डॉक जो है चार्जिंग स्टेटस आपको कैसे कैसे बता रहे हैं यहाँ पर तो इसकी भी आर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो घटाना चाहते हो घटा सकते हो

बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस स्पेशली जो इसका लाइट वेट डिजाइन हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है ना वो मेरे को यार सबसे ज्यादा बढ़िया चीज लगी है इस माउस के बारे में इस माउस का जो वेट है ना वो है भाई सिर्फ और सिर्फ सेवेंटी फोर ग्राम सिर्फ और सिर्फ 74 ग्राम्स ग्राम एंड एक वायरलेस माउस के लिए

टेंशन नहीं, नहीं लेनी भाई वायरलेस गेमिंग माउस का सबसे बड़ा एक फ्रीडम हम लोग को यह मिल जाता है कि हमको वायर्स की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है सीरियसली ये जो दो चीज मैंने आप लोगों को बताई है ना लाइटवेट डिजाइन एंड साथ में वायरलेस हो जाना माउस का भाई यहां पर जो फिर एक्सपीरियंस हो जाता है ना माउस को यूज करने का वो एकदम भाई ओपी हो जाता है तो काफी ज्यादा कमाल का बन जाता है साथ में आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये वायरलेस माउस है तो कहीं कोई लेटेंसी तो नहीं आ जाती इसको यूज करने में तो देखो भाई यहां पर जो रेजर है ना वो अपनी हाइपर स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करता है इससे क्या होता है कि जो लेटेंसी है ना हमारी इस माउस

फीट भी बोल सकते हो इस माउस की एंड बीच में जो इसका सेंसर है उसके चारों तरफ भी तो ये वाला जो इसका व्हाइट एरिया है ना ये कॉन्टैक्ट बनाता है सरफेस के साथ में यानी कि जब आप इसको माउस मैट के ऊपर रखते हो तो ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये कॉन्टैक्ट साथ में बनाता है ठीक है और ये बहुत ही ज्यादा यार अल्ट्रा स्मूथ सरफेस है इस वजह से जो यहां पर आपको माउस मतलब एकदम चिकना चिकना सा लगेगा जब आप इसको यूज करोगे अगर इसके मटेरियल के बारे में बात करूं तो यहां पर ये जो वाइट वाला जो वाला एरिया है ना ये पीटीएफ मेटीरियल से बनाया गया जो कि बेसिकली जो नॉन स्टिक पैंस होते हैं ना उसके अंदर में जो है इसका यूज करा जाता है इससे बेसिकली क्या होता है कि जो आपका माउस है वो इजिली स्लाइड करता है स्लाइड क्या करता है भाई मतलब फिसलता चला जाता है भाई एकदम मक्खन की तरह सेंसर इस माउस के अंदर हम लोग को रेजर का अपना खुद का देखने को मिल जाता

तो आप जो इसको 70 घंटे तक चला सकते हो विद आर ऑफ अगर आप इसकी जो आर लाइटिंग है अगर आप उसको एकदम कंप्लीटली ऑफ कर देते हो तो ये जो माउस है आपका 70 आवर्स तक चलेगा 70 घंटे भाई काफी ज्यादा होता है ये फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने पीसी को 10 घंटे चलाते हो एक दिन के अंदर जो कि काफी ज्यादा होता है इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी चलाता हो यार अपने पीसी को एक दिन के अंदर दस घंटे ठीक है अगर आप उसको यूज करते हो एंड सत्तर घंटे का मतलब हो गया सात दिन ठीक है तो आप अगर अपने पीसी को 10 घंटे चलाते हो तो एक हफ्ते तक जो ये आपका माउस है साथ निभा देगा आपको जो इसको चार्ज करना नहीं पड़ेगा साथ ही साथ गई मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं अगर आप इसके आरजीबी को ऑन करते हो एंड 100 परसेंट जो इसकी ब्राइटनेस है उसको रखते हो आर की तो लगभग ये पांच से लेकर के छह दिन आपका निकाल देगा लगभग पांच दिन तो आराम से चल जाता है फिर भी ठीक है क्योंकि मैंने पर्सनली भी यूज करके देखा है तो पांच दिन आराम से चल जाता है बाकी, प्रो टिप तो यह तो है, है, है वो इंक्रीज हो जाती है और हाँ अगर आप ये सोच रहे हो कि इमरजेंसी में एकदम से अगर मेरी बैटरी भी खत्म हो जाती है एंड मेरे को अर्जेंटली अपना पीसी चलाना है तो उसको कैसे चलाऊंगा तो भाई देखो इसमें सामने की तरफ आप लोग यहां पर एक माइक्रो

ये जो गेमिंग माउस है दिस इज सीरियसली एन अमेजिंग पीस ऑफ टेक मतलब भाई क्या चीज बनाई है यार रेजर ने इतना अल्ट्रा लाइट वेट डिजाइन एंड इतनी अच्छी बैटरी लाइफ साथ ही साथ गाइस अल्ट्रा लाइट वेट एंड साथ में वायरलेस ठीक है ये जो दोनों चीज है भाई मिलके इस माउस को बहुत ज्यादा कमाल की बना देती है एंड ये जो 74 फोर ग्राम्स का जो मैंने आपको वेट बताया था ना इस माउस का भाई मुझे यकीन नहीं होता कि रेजर ने ये चीज कर कैसे दी क्योंकि भाई क्योंकि वायरलेस है तो जाहिर सी बात है उनको कहीं बैटरी भी इसके अंदर लगानी पड़ी होगी एंड बैटरी का वेट भी इसके अंदर जुड़ रहा है साथ ही साथ कोई ऐसा नहीं कि हनी डिजाइन है कि भैया छेद छेद है माउस के अंदर एंड इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में इतना लाइट वेट डिजाइन भाई कैसे कर दिया यार रेजर ने मतलब सोचने वाली बात है बहुत अमेजिंग काम किया रेजर भाई थम्स अप यार मेरे तरफ से कि भाई इस माउस के यार इतनी तारीफ कर दी गई है तो क्या इस माउस के अंदर कोई कमी ही नहीं है क्या देखो गाइज सीरियसली बता रहा हूँ इस माउस के अंदर जितने भी फीचर्स हम लोग को मिल जाते हैं वायरलेस अल्ट्रालाइट वेट डिजाइन ये वो ये सभी चीजें एक माउस के अंदर होनी चाहिए एंड वो सारी ही चीजें हम लोग को इस माउस के अंदर मिल जाती है तो भाई यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि इस माउस के अंदर भाई कोई भी कमी है बट फिर भी अगर मेरे से कोई कहे कि सार्थक भाई जबरदस्ती इसके अंदर से एक कॉन निकाल के दिखाओ तो गाइस देखो अब मैं जबरदस्ती कर रहा हूं ठीक है जबरदस्ती इसके अंदर से एक कॉर्न निकालने की कोशिश करी थी मैंने और वो मुझे मिल भी गया ठीक है एक ही कॉन मिल पाया जो कि मैंने जबरदस्ती निकाला है एंड वो है इसके बॉटम बटन प्लेसमेंट को लेकर के जिसके थ्रू हम इसके डीपीआई को स्विच करते हैं अब जाहिर सी बात है जो साइड वाले दो बटन है ये वाले जो दो, दो बटन है आप इसको गेम्स के अंदर असाइन करोगे डीपीआई तो इससे स्विच करोगे नहीं तो ये जो नीचे वाला बटन है फिर आप किस काम में लोगे इस माउस को इस बटन को ठीक है वो फिर किसी काम ही नहीं आएगा ना तो ये डीपीआई के लिए ही सबसे ज्यादा सूटेबल बटन है अब देखो इस वजह से क्या है कि जब भी आपको अपना डीपीआई स्विच करना पड़ता है क्योंकि नीचे की साइड है तो आपको अपना माउस पलटना पड़ता है एंड देन यहां से डीपीआई स्विच करना पड़ता है बाकी कोई इतना बड़ा भी कौन नहीं है क्योंकि आपने डीपीआई एक बार स्विच कर दिया तो फिर तो आप अपना उसके ऊपर घंटों तक यूज करने वाले हो ना तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बाकी अगर इतना आलस आ रहा है कि माउस यार पलटना पड़ रहा है तो सीधा सॉफ्टवेयर खोल के वहां से भी चेंज आप कर सकते हो ठीक है तो यार ये भी मैं जबरदस्ती निकाला था कौन इसकी भी कोई जरूरत नहीं थी यहां पर ठीक है बाकी तो भाई क्या चीज बनाई है रेजर ने सच में यार मजा ही आ गया अब गाइस बात करें हम लोग इस माउस की प्राइस के बारे में तो देखो भाई इस माउस की जो प्राइस है वो है इलेवन ट्रिपल नाइन यानी कि ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज यानी कि बारह हजार रुपए का ये माउस है वैसे अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है Amazon की वो मैं आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने भी जो इसको चार पांच महीने पहले खरीदा था तो तब भी जो इसकी प्राइस थी ट्रिपल नाइन ही थी एंड अभी भी इसकी जो इलेवन ट्रिपल नाइन है कुछ भी फर्क नहीं आया प्राइस के अंदर तो आप जाके जो इसको परचेज कर सकते हो लिंक बाई डिस्क्रिप्शन के अंदर है अच्छा कलर ऑप्शन के बारे में बात करें तो देखो भाई इसके जो कलर ऑप्शन है वो आपको एक तो व्हाइट कलर में मिल जाता है रेजर वाइपर एक आपको पिंक कलर में मिल जाता है 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 अगर कोई लड़की है, इंटरेस्टेड है भाई पिंक कलर में लेने में तो पिंक कलर में भी मिल जाता है आप जाके ले सकते हैं साथ ही साथ एक साइबर पंक वाली थीम के अंदर आता है आई गेस वो शायद इंडिया के अंदर नहीं मिलता बाकी इंडिया के अंदर तीन कलर अवेलेबल है ब्लैक व्हाइट और पिंक जाके आप इसको जो है ले सकते हो किसी भी उसके अंदर

तब तक क्लियर थैंक्स फॉर वॉचिंग